दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी का एक दिवसीय धरना हुई। धरना की अध्यक्षता राजा अंसारी ने किया, जिसमें जल जमाव की समस्या के निदान के लिए मुख्य रूप से वार्ड नंबर 4, 17, 25, 28 और 29 में जल निकासी पर जोर दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सैयद तनवीर ने कहा कि प्रशासन वर्षा के मौसम व पानी लगने का शायद इंतज़ार करती है, जिसके नाम पर फंड एकत्रित किया जा सके। सभा को संबोधित करते हुए वार्ड 29 के पूर्व प्रत्याशी व राजद नेता मोहम्मद कमरे आलम ने कहा कि विगत 10 वर्षों में वार्ड 29 में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। निगम चाहती तो समय रहते नाला उगाही करती रहती तो समस्या उत्पन्न न होती। अध्यक्ष साजिद हुसैन ने कहा कि पिछले 3 महीने से नाला खोदकर उस पर काम आरंभ नहीं हुई है, जिसके कारण वार्ड 29 के उर्दू बाजार मोहल्ले में जल जमाव है। महानगर राजद अध्यक्ष रामाशंकर सहनी ने कहा कि वार्ड नंबर 28 में जो पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है वह घटिया निर्माण किया जा रहा है, इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। वार्ड 27 में जल जमाव की एक बड़ी वजह ठेकेदार द्वारा पंपिंग सेट से पानी फेंकना भी है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजा अंसारी ने कहा कि वार्ड 28 के मोहल्ला मोगलपुरा व मौलागंज मदारपुर में सालों भर गंदा पानी लगा रहता है, इसकी निकासी की सुचारू व्यवस्था की जाए। आज जो धरना पर बैठे हुए हैं, किन समस्याओं को लेकर यहाँ पे धरना पर बैठे हैं? धरना का एकमात्र उद्देश्य है जल जमाव की समस्या से निदान। वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 4 में जो भयानक रूप जल जमाव की समस्या बनी हुई, ये बरसात के कारण नहीं है, ये सालों भर ये जल जमाव की समस्या रहती है। जैसे वार्ड नंबर 29 में फैजुल्ला खां उर्दू बाजार, वार्ड नंबर 28 में मगलपुरा मौलागंज और गंगा सागर में पानी का जल जमाव सालों भर लगा रहता है और नगर प्रशासन इस पे चुप्पी साधी बैठी हुई है। ये भी एक बड़ा घोटाला है कि जब समय हो 90% नाला की सफाई का घोषणा कर दे और घोषणा के बाद अब सरसा पैसे की उगाही हो और सब आपस में बांटकर खाने का व्यवस्था कर ले। ये जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है।